जबलपुर के शासकीय महाकौशल कॉलेज में NSUI का प्रदर्शन, MA/MCOM की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग। जबलपुर के शासकीय महाकौशल कॉलेज में शनिवार 8 जनवरी से MCOM की परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया है और बढ़ते COVID-19 संक्रमण के मामलों को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की है। NSUI का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जब तक परीक्षाओं के संबंध में नया आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक परीक्षाएं स्थगित रखनी चाहिए, क्योंकि COVID-19 संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों की सुरक्षा पर सवाल सबसे बड़ा है। NSUI ने मांग की है कि शासकीय महाकौशल कॉलेज प्रबंधन को परीक्षाएं स्थगित कर देनी चाहिए। इस संबंध में NSUI ने शासकीय महाकौशल कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा है। महाकौशल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक परीक्षाएं करवाई जाएंगी। परीक्षाओं के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंस के नियमों के मुताबिक मास्क पहनकर विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। प्रदेश में प्रत्येक डेढ़ घंटे में कोरोना का एक केस बढ़ रहा है। कोरोना काल की इस विकट स्थिति में महाकौशल शासकीय महाकौशल कलाई बड़े महाविद्यालय में कल से होने जा रही MA/MCOM की परीक्षाओं को लेकर जबलपुर NSUI द्वारा तत्काल धरना प्रदर्शन किया गया है। और प्रदर्शन के माध्यम से हम महाकौशल कॉलेज के प्रचार से ये मांग करते हैं कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते, कोरोना वैक्सीन की धीमी रफ्तार को ध्यान में रखते हुए और कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था ना होने के कारण परीक्षाओं को तत्काल स्थगित किया जाए। जब भी आने वाले समय में, जब भी कोरोना काल की जब सामान्य स्थिति हो, उसके बाद ही परीक्षा लिया जाए, या उच्च शिक्षा विभाग के जब दिशा निर्देश आए कि परीक्षाएं ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन होनी है, या जनरल प्रमोशन में होना है, इसके बाद ही परीक्षा को लिया जाए, हमारी ये मांग है। अन्यथा हम कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कल धरना प्रदर्शन कंटिन्यू करके कल कॉलेज बंद कराएंगे, परीक्षाएं तत्काल स्थगित किया जाए। कोरोना चाल चल रहा है, ऐसे में आप लोग गैदरिंग कर रहे हैं, संक्रमण फैलने की चांस नहीं है? आपका सवाल जो है बिल्कुल लाजमी हैगा, आपके सवाल का जवाब हम पूरी जिम्मेदारी से दे रहे हैं। हमने सभी धरना प्रदर्शन चालू करने के पहले ही सभी छात्र छात्राओं को क्या कहते हैं सैनिटाइजर किया है। आप सबके चेहरे पे देखते हैं मास्क है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कॉलेज प्रशासन जल्द से जल्द तत्काल परीक्षा स्थगित की जाए, ताकि छात्र छात्राओं की जान बचा जा सके। आज ये छात्रों का आंदोलन हो रहा है, परीक्षा जो है ऑनलाइन। ये आंदोलन नहीं, एक्चुअली ये ज्ञापन सौंपने आए हैं, ऐसा हमको पता चला। और ये ज्ञापन का उनका मुद्दा ये है कि कोरोना फैल रहा है तो हम लोगों की परीक्षाएं जैसे पिछले वर्षों में हुई हैं वैसी हों। लेकिन चूंकि शासन का जब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आता है तो हम लोग उनकी मर्जी से तो काम नहीं करेंगे। यदि शासन का निर्देश आएगा तो उसी के अनुसार परीक्षाएं होंगी यथावत, नहीं तो अभी कल से हम लोग यहाँ परीक्षाएं होने वाली हैं। लेकिन उसमें हम पूरे कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन कर रहे हैं। विद्यार्थियों को भी मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको बैठाया जाएगा। तो ये मतलब हम लोगों की बाकी कोरोना नियम जो है उनका पालन करते हुए परीक्षा हो। क्या ये पॉसिबिलिटी है छात्रों की? ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र का होता तो फिर हम इस पर चर्चा करते। ये अधिकार क्षेत्र उच्च शिक्षा विभाग का है, प्रशासन का है। यदि उनके अनुसार हमको कोई निर्देश मिलता है, आदेश मिलता है, तो उसका वैसा का वैसा पालन किया जाएगा। छात्रों की मांग को हम ऊपर पहुँचा देंगे, हमारे जो ऊपर अधिकारी हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रभा पुलवार, प्राचार्य शासकीय महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर।